मोदी सरकार की नजरें अब बैंकों पर है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दो बड़े सरकारी बैंकों के प्रमुख बदल दिए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार को लग रहा था कि अधिकारी अपने बैंकों की सेहत सुधारने की पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे थे। इसके अलावा सरकार ने बैड लोन के भार से जूझ रहे कुछ सरकारी बैंकों में 5 नए MD और चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी भी अपॉइंट किए हैं। सरकार की ओर से यह आदेश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से बैड लोन यानी कि NPA के बोझ को काबू में करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के कुछ ही देर बाद आया। सरकारी बैंकों के प्रबंधन में सुधार की प्रक्रिया के तहत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर उषा अनंता सुब्रमण्यम को उनके पद से हटाकर इलाहाबाद बैंक भेज दिया है। इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख मेलविन रेगो को सिंडिकेट बैंक शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले महीने IDBI बैंक के MD और CEO KP खरत को इंडियन बैंक भेजकर उनकी जगह MK जैन को लाया गया था। इससे पहले इन बैंकों में प्रमुख का पद ऐसे अनुभवी बैंकों को दिया जाता था जो छोटी जगहों से प्रमोट होकर आते थे, लेकिन अब बड़े बैंकों में सुधार की प्रक्रिया को तेजी से लागू करने के लिए अपेक्षाकृत युवा बैंकरों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से एक अध्यादेश को लागू करने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक अपने सबसे बड़े बैंकिंग क्लीन अप अभ्यास की शुरुआत करेगा। इस अध्यादेश के जरिए रिजर्व बैंक को यानी कि फंसे कर्ज की वसूली के लिए बैंकों को जरूरी कार्रवाई शुरू करने संबंधित निर्देश देने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। साथ ही RBI को दबाव वाली संपत्तियों के मामले में दिवाला और शोधन प्रक्रिया शुरू करने का भी अधिकार दिया गया है। इन नियमों में बदलाव से एक मोदी सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर टॉक्सिक लोन से जुड़े मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।